Hello everyone, welcome back to your computer class. I am again here with some new topics from your computer class. Students, in our previous classes, we discussed many features of Tux Pen. So, in order to proceed our chapter, today we are going to discuss some more features of our Tux Pen chapter. Okay, so let us start our today's topic. So students, in our today's class, we are going to discuss mainly two effects of our Tux Pen. Waves effects and waveless effect. So firstly, we will discuss waves effect. So this effect is used to wiggle any picture side to side, means horizontally. Okay? हम wave effects का use क्यों करते हैं? जब हमें अपनी picture में, अपनी drawing में wiggle effect देना होता है, मतलब कुछ हिलता हुआ effect हमें देना होता है अपनी drawing या अपनी picture को side से, तो हम क्या करते हैं? Wave effect का use करते हैं. Okay? So to use wave effect in our drawing, we have to follow these steps. So first one is open a new file with ब्लू बैकग्राउंड. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी, न्यू फाइल ओपन करनी पड़ेगी जिसका बैकग्राउंड कैसा होगा? ब्लू होगा. इन द नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट द पेंट टूल एंड ड्रॉ अ फिल्ड कर्व स्ट्रक्चर. हमें पेंट टूल का पेंट टूल सेलेक्ट करके एक फिल्ड कर्व स्ट्रक्चर, ओके, जो पहले से फिल्ड हो, ऐसा स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, विच इज शोन इन द फिगर इन योर बुक. जैसा कि आपके बुक में फिगर भी दिया हुआ है. Okay, now select magic tool and then select the waves effect from the sub toolbox. अब हमें अपने next step में क्या करना होगा? Magic tool select करना होगा, जो कि हम toolbox select करते हैं, and then we have to select waves effect. उसके बाद हमें waves effect select करना होगा कहाँ से? Sub toolbox से. Okay, so click to make the pictures horizontally wavy. हमें horizontal wavy करनी है अपनी pictures को, तो हम क्या करेंगे? Click towards the top for shorter waves. हम टॉप पर जब क्लिक करेंगे तो हमारी वेव जो है shorter रहेंगी. The bottom for taller waves. हम बॉटम में जब क्लिक करेंगे तो हमारी वेव्स कैसी? लंबी रहेंगी, taller रहेंगी. Okay? The left for smaller waves. और लेफ्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेव्स smaller रहेंगी. And the right to long waves. और right में जब हम क्लिक करेंगे अपने ड्राइंग के तो हमारी वेव्स कैसी रहेंगी? Long रहेंगी. Okay? Now click on the screen to get the desired waves effect. और फिर हम अपनी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो हमें जैसा भी इफेक्ट हमें चाहिए होगा हमारी इच्छा अनुसार वैसा इफेक्ट हमें मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ आवर टच स्क्रीन चैप्टर इज वेवलेट्स इफेक्ट. सो द वेवलेट्स इफेक्ट विगल्स योर पिक्चर अप एंड डाउन वर्टिकल rather than side to side. जो वेवलेस इफेक्ट होती है हमारी, वो क्या करती है? हमारी पिक्चर को, हमारी ड्राइंग को विगल करती हैं, एक हिलता हुआ टच देती हैं अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ. जैसे हमारी वेव इफेक्ट्स थी वो हमारी क्या करती थी? साइड से हिलता हुआ टच देती थी जो कि हॉरिजॉन्टल होती थी. तो उसी तरह हमारी वेवलेस इफेक्ट क्या करती है? हमारे पिक्चर को अप एंड डाउन वर्टिकल वे में एक हिलता हुआ क्या करती हैं? इफेक्ट देती हैं. ओके, इस तरह से. सो to put wavelet effect in our picture, we have to follow these steps. First of all, we have to undo the changes on your picture using the undo button from the toolbox. सबसे पहले हमारी पिक्चर पर जो भी पहले चेंजेस हुए हैं हमने उनको क्या करना है? undo बटन क्लिक करके, जो कि टूलबॉक्स में प्रेजेंट होता है, पहले उसको undo करना है. ओके, नाउ क्लिक ऑन द वेवलेट्स इफेक्ट. अब हमें क्या करना है? वेवलेट्स इफेक्ट पर क्लिक करना है. क्लिक मेक द पिक्चर वर्टिकली वेवी. क्लिक टूवर्ड्स द टॉप फॉर shorter waves. हमें टॉप पर क्या करना है? shorter waves के लिए क्लिक करना है. द बॉटम फॉर द taller waves. हमें अगर taller waves चाहिए तो हम बॉटम में क्लिक करेंगे. ओके, द लेफ्ट फॉर द smaller waves. हम smaller waves के लिए लेफ्ट में क्लिक करेंगे. एंड राइट फॉर द लॉन्ग waves. ओके, अगर हमें लॉन्ग वेव डालनी है तो हम राइट में क्लिक करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द टॉप ऑफ द ड्रॉइंग एरिया टू एड shorter waves टू योर ड्रॉइंग. अब हमें जैसा कि shorter waves अगर डालनी है तो हम क्या करेंगे? हम टॉप में अपने ड्राइंग एरिया के टॉप में क्या करेंगे? क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर में कैसी इफेक्ट आ जाएंगे? शॉर्टर वेव्स, जो कि वेवलेट्स इफेक्ट से शॉर्टर वेव्स हमारी उसमें ऐड हो जाएंगे हमारे पिक्चर में. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यू हैव लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द टच स्क्रीन. अपने अपने चैप्टर के लास्ट में सारी चीज़ें आपने टच स्क्रीन के बारे में सीख ली, जैसे इट्स वेरियस टूल्स एंड देयर सब टूल्स एज वेल, उसके टूल्स और सब टूल्स के बारे में भी जाना. Draw more pictures with new effects and ideas for better understanding of the tools. अब आपको आपके कंप्यूटर पे क्या करने हैं? अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स और आइडियाज और अच्छे से समझने के लिए आपको ट्राई करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर. एंड आवर फर्स्ट पॉइंट इज
TuxPaint is a free drawing program for children. As we earlier discussed, TuxPaint क्या है? हमारा free drawing program है, जो कि mainly किसके लिए? बच्चों के लिए बनाया गया है. And Bell Catrick is the lead developer and designer of the TuxPaint program. Okay. Next point is TuxPaint is available in more than 85 different languages. हमारा जो TuxPaint है, वो 85 different languages में हमारे पास उपलब्ध है. Many Indians have also participated actively in the translation process of TuxPaint into the languages of Indian origin. कई सारे Indians ने इसमें participate किया TuxPaint को अलग-अलग भाषाओं में परिवर्तित करने के लिए. Okay. There are 47 different background colors, pictures with which you can start a new drawing. और TuxPaint में हमारे पास क्या सुविधा होती है? हमारे पास 47 different background colors और पिक्चर्स अवेलेबल होते हैं, जिसके साथ हम अपनी क्या कर सकते हैं, न्यू ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मैजिकल इफेक्ट्स एंड पेंट ब्रश शेप्स इन TuxPaint यूजिंग व्हिच वी कैन ड्रॉ वेरियस पिक्चर. और हमारे पास क्या उपलब्ध होता है TuxPaint में? वेरियस मैजिकल इफेक्ट्स, कई सारे मैजिकल इफेक्ट्स भी उपलब्ध होते हैं. एंड पेंट ब्रश शेप, पेंट ब्रशेस, उसके शेप्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कई तरीके की अपनी ड्राइंग्स और पिक्चर्स हम TuxPaint पर बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, TuxPaint विल सून लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ मैजिक इफेक्ट नेम ब्लाइंड, हेक्सागन, मोजाइक, इरेगुलर मोजाइक, पर्सपेक्टिव, पजल, रॉगी वेव, जूम एंड मैनी मोर. TuxPaint अपनी बहुत जल्द ही क्या करना है, नई मैजिक इफेक्ट्स की एक रेंज लॉन्च कर रहा है, जिसमें हमें क्या मिल सकता है, ब्लाइंड इफेक्ट, हेक्सागन, मोजाइक, इरेगुलर मोजाइक जैसे और सारे मैजिक इफेक्ट्स हम लोग को उसमें मिलेंगे. ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज़ टॉपिक्स वेरी वेल एंड इन योर नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड द रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके थैंक यू.